हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको नींबू के छिलके से दो तरह का अचार बनाना बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे घरों में जब नींबू आता है तो हम नींबू पानी या शरबत पी के छिलका को फेंक देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप छिलका नहीं फेंकेंगे। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से निचोड़ा हुआ नींबू है और इसका सारा बीज हमने निकाल दिया है। सारा बीज हम निकाल के हटा देंगे। नींबू का छिलका ब्लड प्रेशर को ठीक करता है और शरीर के दाग धब्बों को हटाने में बहुत फायदेमंद होता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन सी और विटामिन ए, इसमें कैल्शियम भी होता है। नींबू के छिलके में कैंसर से लड़ने के गुण पाए जाते हैं, जो कि कैंसर के इलाज में काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। अब एक बर्तन में हम पानी गर्म करेंगे। पानी बॉयल हो रहा है, अब इसमें हम रखेंगे और लीड लगा देंगे। ऐसी लीड नहीं है तो आप थाली से भी ढक सकते हैं। 20-25 मिनट तक हमने इसमें भाप लगा लिया है। अब गैस को ऑफ करेंगे और ठंडा करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इस चम्मच से हमने 2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट ले लिया है, यानी काला नमक, 2 चम्मच कोरिंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, ये रोस्ट किया हुआ धनिया हमने मिक्सी में पीस लिया है, सौंफ पाउडर, 1 पिंच हींग है, हल्दी 1.5 चम्मच, थोड़ा सा सौंफ हमने साबुत ले लिया है, अजवाइन है, जीरा है थोड़ा सा, और मेथी और कलौंजी, ये पंचफोरन है, इसका हम तड़का लगाएंगे, और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और कश्मीरी मिर्च का पाउडर। पैन में मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हमने गरम कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें हम डालेंगे, इसमें हमने मेथी दाना डाल दिया है, अब मेथी चटक गई है, अब हम डालेंगे जीरा, सौंफ, अजवाइन। और हल्दी भी डाल देंगे। अब हल्दी हमने डाल दिया है, इससे बबल्स भी आ रहे हैं। अब इसमें हमने हींग डाल दिया है। कलौंजी डालेंगे, इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें नींबू का छिलका डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। Okay.
इसको हमने लो फ्लेम पे भून लिया है। अब इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे शिमला मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं यहाँ पे ब्लैक साल्ट डाल रही हूँ, आप सादा नमक भी ले सकते हैं। ब्लैक साल्ट डालने से पेट की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको हमने लो फ्लेम पे पका लिया है। शिमला मिर्च डालने से कलर भी अच्छा आ जाता है और हल्का सा तीखापन भी आ जाता है। अब इसमें अच्छी तरह से नमक और मसाला अब्सॉर्ब कर लिया है। अब थोड़ा सा हम नींबू का रस भी डाल देंगे। नींबू का रस नहीं है तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। इसमें 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए। इसको हमने लो फ्लेम पे पका लिया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे। अब नींबू का अचार हमने पैन में से थोड़ा सा निकाल लिया है। भाप लगाते समय हमने ऐसे छोटा छोटा भी पीसेस करके डाल दिया था थोड़ा सा। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी। अब इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर। चीनी को हमने मिक्सी में पीस लिया था, अब हम इसे डालेंगे 2-3 चम्मच। इसमें 1 चम्मच और मिला देंगे। इसे हम अलग रखेंगे एक जार में। थोड़ा सा तीखापन के लिए हम डालेंगे इसमें 1 पिंच लाल मिर्च और थोड़ा सा शिमला मिर्च पाउडर। इसमें कलर भी अच्छा आ जाएगा, तीखा भी हो जाएगा। खट्टा मीठा तीखा नमकीन अचार बनके तैयार है। अब यह पीकल रेडी है। इसे हम शीशे के जार में भर के 3-4 दिन तक धूप में रखेंगे तो खाने में और अच्छा लगेगा। इसका कड़वापन खत्म हो गया है। हमने जो इसमें सौंफ, मेथी, अजवाइन, जीरा, हींग, काला नमक सब कुछ डाला है, ये सारे मसाले हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद हैं। नींबू के बारे में आप सबको पता है कि पेट के लिए कितना फायदेमंद है। इसे खाने से पेट की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, डाइजेशन ठीक रहता है। इसे मैं कई बार बना चुकी हूँ, यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, यह मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
आई होप दिस वीडियो मोस्ट हैव लाइक्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।